पुल पर बैठा बूढ़ा अनेस्ट हेमिंग्वे स्टील के फ्रेम वाला चश्मा पहने एक बूढ़ा आदमी सड़क के किनारे बैठा था। उसके कपड़े धूल धूसरित थे। नदी पर पीपों का पुल बना हुआ था और घोड़ा गाड़ियां, ट्रक, मर्द, औरतें और बच्चे उस पुल को पार कर रहे थे। घोड़ा गाड़ियां नदी की खड़ी चढ़ाई वाले किनारे से लड़खड़ाकर पुल पर चढ़ रही थी। सैनिक पीछे से इन गाड़ियों को धक्का दे रहे थे। ट्रक अपनी भारी भुरभुराहट के साथ यह कठिन चढ़ाई तय कर रहे थे और किसान टखने तक की धूल में पैदल चलते चले जा रहे थे। लेकिन वह बूढ़ा आदमी बिना हिले डुले वहीं बैठा हुआ था। वह बेहद थक गया था, इसलिए आगे कहीं नहीं जा सकता था। पुल को पार करके ये देखना कि दुश्मन कहां तक आ पहुंचा है, यह मेरी जिम्मेदारी थी। आगे तक का एक चक्कर लगाकर मैं लौटकर पुल पर आ गया। अब पुल पर ज्यादा घोड़ा गाड़ियां नहीं थी और पैदल पुल पार करने वालों की संख्या भी कम थी। पर वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा था। आप कहां के रहने वाले हैं? मैंने उससे पूछा। मैं सैन कार्लोस से हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा। वह उसका अपना शहर था। उसका जिक्र करने से उसे खुशी होती थी, इसलिए वह मुस्कुराया। मैं अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने बताया। मैंने कहा, हालांकि मैं पूरी बात नहीं समझ पाया। हाँ, मैं जानवरों की देखभाल करने के लिए वहाँ रुका रहा। सैन कार्लोस शहर को छोड़कर जाने वाला मैं आखिरी आदमी था। वो किसी गडीरिये या चरवाहे जैसा नहीं दिखता था। मैंने उसके मतमैले कपड़े और धूल से सने चेहरे और उसके स्टील के फ्रेम वाले चश्मे की ओर देखते हुए पूछा, वे कौन से जानवर थे? कई तरह के, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। मुझे उन्हें छोड़कर आना पड़ा। मैं पुल पर हो रही आवाजाही और आगे एब्रो के पास नदी के मुहाने वाली जमीन और अफ्रीकी से लगते दृश्य को ध्यान से देख रहा था। मन ही मन में यह आकलन कर रहा था कि कितनी देर बाद मुझे शोर का वह रहस्यमय संकेत मिलेगा जब दोनों सेनाओं की आमने सामने भिड़ंत होगी। किंतु वह बूढ़ा अब भी वहीं बैठा हुआ था। वे कौन से जानवर थे? मैंने दोबारा पूछा। कुल तीन जानवर थे, उसने बताया। दो बकरियां थी और एक बिल्ली थी और इनके अलावा कबूतरों के चार जोड़े थे। और आपको उन्हें छोड़कर आना पड़ा? मैंने पूछा। हाँ, तोप की गोलाबारी के डर से। फौज के कप्तान ने मुझे तोप की मार से बचने के लिए वहाँ से चले जाने को कहा था। क्या आपका परिवार नहीं है? मैंने पूछा। मैं पुल के दूसरे छोर पर आखिरी घोड़ा गाड़ियों को किनारे की ढलान से तेजी से नीचे उतरते हुए देख रहा था। नहीं, उसने कहा, मेरे पास सिर्फ जानवर थे। उनमें से बिल्ली तो खैर अपना ख्याल खुद रख लेगी, लेकिन मेरे बाकी जानवरों का क्या होगा, मैं नहीं जानता। आप किस पार्टी के समर्थक हैं? मैंने पूछा। सियासत में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है, वो बोला। मैं 76 साल का हूँ। मैं 12 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ आया हूँ और अब मुझे लगता है कि मैं और आगे नहीं जा सकता। लेकिन ये जगह रुकने के लिए यह अच्छी जगह नहीं है, मैंने कहा। अगर आप चल सके तो आगे सड़क पर आपको वहाँ ट्रक मिल जाएंगे जहाँ से टोटोसा के लिए एक और सड़क निकलती है। मैं यहाँ कुछ देर रुकूंगा, उसने कहा, और फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। ट्रक किस ओर जाते हैं? बार्सिलोना की ओर, मैंने उसे बताया। उस ओर तो मैं किसी को नहीं जानता, उसने कहा। लेकिन आपका शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसने खोई और थकी हुई आंखों से मुझे देखा और फिर अपनी चिंता बांटने के इरादे से कहा, मुझे यकीन है बिल्ली तो अपना ख्याल रख लेगी। बिल्ली के बारे में फिक्र करने की जरूरत नहीं, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बाकियों के बारे में आप क्या सोचते हैं? मुझे तो लगता है कि शायद आपके बाकी जानवर और पंछी भी इस मुसीबत से सही सलामत निकल जाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है? क्यों नहीं, दूर झलक रही नदी के किनारे को देखते हुए मैंने कहा। वहां अब कोई घोड़ा गाड़ी नहीं थी, लेकिन वे तोप के गोलों की मार से कैसे बचेंगे जब मुझे ही तोप की गोलाबारी की वजह से वहां से चले जाने के लिए कहा गया था। क्या आपने कबूतरों का पिंजरा खुला छोड़ दिया था? मैंने पूछा। जी हाँ, तब तो वे उड़ जाएंगे। जी हाँ, वे जरूर उड़ जाएंगे, लेकिन बाकियों का क्या होगा? बेहतर होगा कि मैं बाकियों के बारे में सोचूं ही नहीं, उसने कहा। अगर आपने आराम कर लिया हो तो मैं चलूं, मैंने कहा। अब आप उठकर चलने की कोशिश कीजिए।
शुक्रिया, उसने कहा और वह उठकर खड़ा हो गया, लेकिन उसके थके हुए पैर उसे नहीं संभाल पाए और कांपते हुए वह वापस नीचे बैठ गया। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, उसने बेउम्मीदी से कहा, हालांकि अब वह मुझसे बातचीत नहीं कर रहा था। मैं तो केवल अपने जानवरों की देखभाल कर रहा था, अब उसके लिए कुछ भी नहीं किया जा सकता था। वो ईस्टर के रविवार का दिन था और फासिस्ट फौजें एब्रो की ओर बढ़ रही थीं। वह बादलों से घिरा सलटी दिन था। बादल बहुत नीचे तक छाए हुए थे, जिनकी वजह से दुश्मन के लड़ाकू जहाज उड़ान नहीं भर रहे थे। ये बात और ये तथ्य कि बिल्लियां अपनी देखभाल खुद कर सकती थीं, उस बूढ़े के पास अच्छी किस्मत के नाम पर केवल यही चीजें मौजूद थीं।